कभी सोचा है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह जो भारत के सबसे व्यस्त और सुंदर शहरों में गिनी जाती है, वह रहस्यों से कितनी भरी पड़ी है और भूत प्रेतों का घर मानी जाती है। यहाँ तक कि सबसे व्यस्त शहर जो दिन भर जनजीवन में व्यस्त बना रहता है, उन्हें रात में कई असामान्य गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी किसी अतिरिक्त गतिविधि को देखा है? यदि नहीं तो आपको इस जगह जाना चाहिए जो मानी जाती है कि यह भूतिया है। मैं हमारी राजधानी शहर में स्थित खूनी नदी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप इसके बारे में जिज्ञासु हैं, इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खूनी नदी या जिसे दिल्ली के बरमूडा ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है, सबसे डरावनी जगहों में से एक है जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। अगर खूनी नदी का शाब्दिक अर्थ निकाले तो एक ऐसी नदी जिसका रंग रक्त के समान होता है। दिल्ली की यह नदी कई प्रेत प्रभावित स्थानों में से एक है। खूनी नदी में अतिरिक्त रूप से अनगिनत गतिविधियों को देखा गया है। यह माना जाता है कि जो लोग गलती से नदी में गिर गए या उसमें तैरान गए तो वे कभी जीवित वापस नहीं आए। माना जाता है कि कुछ अलौकिक ऊर्जा के कारण नदी उन्हें गहराई में खींच लेती है और इसीलिए यहाँ अनगिनत मौतों की रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी किसी का वहाँ से शव बरामद नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद नदी के आसपास घूमता है तो उसे वहाँ से लोगों के चिल्लाने और रोने की असामान्य आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी भयावह और डरावनी होती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यह नदी अन्य नदियों की तुलना में बहुत कम गहरी है और फिर भी लोग यहाँ डूब जाते हैं और लापता हो जाते हैं। खूनी नदी उत्तरी दिल्ली के रोहिणी जिले में स्थित है और दिल्ली मेट्रो के रोहिणी पश्चिम स्टेशन के माध्यम से आसानी से सुरक्षित जा रही है। यह नदी हरी वनस्पतियों और पेड़ों से घिरी एक छोटी सी जलधारा है। भले ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह स्थान भूतिया है, हालांकि वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने कई असामान्य गतिविधियों को देखा है, इसलिए आपको मुश्किल से यहाँ लोग इस तालाब के और उसके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। जब सूरज ढल चुका होता है या रात हो जाती है तो कोई भी इस ओर भटकता नहीं है। यदि आप दिल्ली की इस खूनी नदी में जाने की हिम्मत करते हैं और यदि आप उन लोगों में से एक हैं जो असामान्य स्थानों की खोज करना पसंद करते हैं और आप भूतिया स्थानों पर चलते मोहित हो जाते हैं, तो आपको खूनी नदी की यात्रा करनी चाहिए।